उसकी बेनविट को बढ़ा दिया जाता है ठीक तो है, है, है बेनविट कम रहेगी जैसे यहाँ पे तो डायग्राम दिया दिस इज द ओरिजिनल बेनविट इसकी बेनिविट कम है मगर ये स्प्रेडिंग प्रोसेस से सिग्नल को और बढ़ा दिया गया इसकी बेनिविट को बढ़ा दिया गया है ठीक है ये इतनी ये इतना था और इतना ज़्यादा बढ़ गया बेनिट ठीक है तो बेनिविट बढ़ने से फायदा क्या मिलेगा बेनिफिट से नुकसान हो जाएगा बल्कि यहाँ पर हम फायदा ये होगा यहाँ पर कि ये जो सिग्नल है ओके okay? इसे कोई मतलब ईव ड्रॉप नहीं कर पाएगा अगर सपोज कोई अटैकर है जो उसको पता है कि ये फ्रिक्वेंसी में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करके वो सिग्नल को मतलब कैच uh, कर सकता है बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा हम देखेंगे कैसा नहीं कर सकता है तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक क्या है इसके अंदर हम क्या करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू फिट इन बैंडविड्थ हम क्या करेंगे अलग अलग सिग्नल्स को कंबाइन करके सिग्नल की बैंडविड्थ को बढ़ा देंगे ठीक है और ये जो टेक्निक है स्प्रेड स्पेक्ट्रम ये वायरलेस में यूज की जाती है ठीक है वायरलेस लैन और वायरलेस वैन में यूज की जाती है ठीक है तो हमारे पास जो भी बैंडविड है बी सपोज हमारे पास एक चैनल है उसकी बैंडविड बी है तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम से क्या होगा उसको एक्सपांड करके और बढ़ा दिया जाएगा उसकी बैनविट पहले बी थी अभी इसकी न्यू बैनविट बी एस एस सपोज हो जाएगी Spectrum, तो ये ज़्यादा इसके इसके मुकाबले में, ठीक 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 है? 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 है अंदर दो प्रिंसिपल प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, पहला क्या ना? तो अभी अगर सपोज एक स्टेशन स्टेशन को बैंडविड्थ बी की जरूरत है उससे उसको ज्यादा बैंडविड्थ एलोकेट की जाएगी नंबर वन दूसरा क्या है कैसे अचीव किया जाता है तो हम देखेंगे दो टेक्निक हम स्टडी करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग दूसरा है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम ठीक है ये दो टाइप की टेक्निक्स हैं जिससे हम हमारा जो सिग्नल इसको स्प्रेड कर सकते हैं उसकी बेनिट को बढ़ा सकते हैं तो पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम ना उसी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम में तो क्या रहेगा ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल दिस इज अवर ओरिजिनल सिग्नल ठीक है ये ये सिग्नल को हम ये एफ एस एच एच यानी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम से पास करेंगे और हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो स्प्रेड किया हुआ सिग्नल मिलेगा ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है ये हमारा स्प्रेड किया हुआ सिग्नल रहेगा अब इसके अंदर कैसे किया जाता है कि हमारे पास ये जो स्प्रेडिंग कैसे होगी तो हमारे पास जो है एक फ्रीक्वेंसी टेबल रहेगा ये फ्रीक्वेंसी टेबल रहेगा और ये सिंथेसाइजर क्या करेगा एक एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करता रहेगा इसमें है ना देखो जैसे हम आगे बताते हैं आपको सॉरी हाँ देखो ये ना हमारे पास सो यर यू कैन सी अगर सपोज हमारे पास जो बिट पैटर्न है हमारे पास सपोज कोई बाइनरी डेटा है वो डेटा ऐसा रहेगा सपोज जीरो ऐसा कुछ भी रहेगा ठीक है तो ये ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे इसका तीन बिट लेंगे ठीक है ये तीन बिट लेने के बाद हम टेबल में देखेंगे ये क्या तो चार सौ किलो हर्ट्स को पे सिग्नल को प्रोपोगेट करेंगे दूसरा क्या है ट्रिपल वन ट्रिपल वन पे क्या है नाइन हंड्रेड किलो हर्ट तो वो फ्रीक्वेंसी हम ट्रांसमिट वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करेंगे उसके बाद जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो का है फिर से 400. तो इस तरह से क्या होगा जो हमें यहाँ पे जो बिट पैटर्न मिलेगा उस बिट पैटर्न के मुताबिक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया जाएगा Getting my point? Hello? Yes, sir. तो देखो है ना इससे क्या होगा देखो पहले हमने देखो आपको याद है हमने एफ एम और ए एम और पी एम स्टडी किया था ए, ए, एम में क्या जैसे कोई भी हमने एक फ्रीक्वेंसी बैंड सिलेक्ट किया वो फ्रीक्वेंसी में सेंड करते थे मगर यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड रहेगा कभी इस पे कभी इस पे अलग अलग मतलब हॉपिंग का मतलब है जंपिंग है ना तो हमारा सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी भी नहीं रहेगा और फ्रीक्वेंसी चेंज करता रहेगा बार बार ठीक है ना कभी टू हंड्रेड कभी थ्री हंड्रेड और ये सीक्वेंस क्या है वो सेंडर रिसीवर को पता रहेगा तीसरे किसी को पता नहीं रहेगा तो इससे आसानी क्या होगी मतलब इससे मतलब एडवांटेज क्या मिलेगा हमें कि अगर सपोज अटैकर को पता है कि हम चार सौ किलो हर्ट्ज में ट्रांसमिट कर रहे हैं अगर मान लो अटैकर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करता है तो बाकी तो उसको पता नहीं रहेगा ना क्या क्या हम। ये तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा हो मैंने इसके अंदर हम कुछ भी फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस यूज कर सकते हैं जैसे इसने तो जैसे मान लो वन जीरो वन है तो वन जीरो वन के लिए सेवन हंड्रेड किलोवर्ड यूज किया है हम कुछ और सेवन सेवेंटी यूज कर सकते हैं तो कुछ भी यूज कर सकते हैं हमारी मर्जी है ना तो वो वो कौन सा है वो हमको पता है अटैकर को पता नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा हमारा सिग्नल इतना फैल जाएगा देखो अभी इतनी बेनिफिट मिल जाएगी मगर सिग्नल ना तो दूसरा ये है ये, देखो पहला एडवांटेज यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी अटैकर जो है अटैक नहीं कर पाएगा इसे ठीक है तो अब देखो ये ऐसा ऐसा वर्क करता है ठीक है तो अभी जैसे ये ओरिजिनल सिग्नल था ठीक है ना तो पहला जो पहला जो डेटा है वो सेवन हंड्रेड पे ट्रांसमिट हुआ दूसरा नाइन हंड्रेड पे ट्रांसमिट हुआ तीसरा थ्री हंड्रेड पर ट्रांसफ हुआ फिर 200 पे, तो ये, ये, ये पैकेट जो पहला वाला ये ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पे तो ये ये एक सीक्वेंस कंप्लीट हो गया ठीक है और ये सीक्वेंस को बार बार रिपीट किया जाएगा ठीक है हर डेटा के लिए सीक्वेंस को रिपीट किया जाएगा है ना जैसे यहाँ पेड्रेड नाइन हंड्रेड ऐसा एक एक ऐस, ऐसा भी कर सकते हैं हॉपिंग टाइम पीरियड जो है इस तरह से कर सकते हैं वो हॉपिंग यूज कर सकते हैं अब देखो हमने एफडीएम बताया था मैं आपको एफ डी एम है ना फ्रीक्वेंसी फ्रीकुन्सीविजन मल्टीप्लेक्सी में क्या करते हैं हमारे पास जो भी अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड है इसको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग कैरियर के लिए जैसे ये जो है ये ये जो बैंड है ये वाला, ये वाला वाला बैंड जो है ये हमने किसी कैरियर को दे दिया दूसरा वाला दूसरे को दिया तीसरा वाला तीसरे को चौथा वाला चौथे को ये अलग अलग हमने बैंड आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया अभी यही फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते तो क्या होता कि ये एफ वन ठीक है ना ये एफ ये जो मतलब ट्रांसमीटर है ये कभी ये फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है कभी ये फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है कभी ये, 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 ये यूज कर रहा है कभी तो ये चार अलग अलग बैंड के अंदर वो ट्रांसमिट करता रहेगा एक बारे के 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 बाद 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 एक 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 इस तरह से एफ टू है क्योंकि ये, ये यूज कर लिया तो एफ टू दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे यूज करेगा तो इस तरह से हम बैंडविड्थ को आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम में ठीक है तो ये बैंडविड्थ का भी अच्छा यूटिलाइजेशन होगा और दूसरा ये है

तो डायरेक्ट क्या रहेगा हमारे पास ये ओरिजिनल सिग्नल है और यहाँ पे चिप जनरेटर है चिप जनरेटर ठीक है चिप जनरेटर क्या करता है एक एक, एक स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग कोड कोड बनाता है है ठीक उसके जरिए से सिग्नल को स्प्रेड किया जाता है अब देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हमको सपोज वन ट्रांसमिट करना है ठीक मतलब है ना ये मतलब ये हमारे पास डेटा है वन जीरो वन ये डेटा हमको भेजना है ठीक है अब ये डेटा को

तो ये इनपुट हमारा मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल वन है तो ये जो स्प्रेडिंग कोड है वैसे ये भी मिल रहा है इसके ऐसे ही चेंज हो रहा है देखो ये ये ऊपर है ये भी ऊपर है ये ये नीचे आ गया ये भी नीचे आ गया ये फिर हाई है ये भी हाई है ठीक है, है ना मतलब जो स्प्रेडिंग कोड है वही हमारा स्प्रेड सिग्नल रहेगा स्प्रेड सिग्नल रहेगा अच्छा जब ये जीरो हो जाता है अगर मान लो ओरिजिनल सिग्नल जीरो हो जाता है तो अगर ये वन है तो ये जीरो है ठीक है ये ये जीरो है तो ये वन है थेके? तो समझ में आ रहा है आप लोगों को ये ये सीक्वेंस हेलो सी दिस इज वन ये जीरो हो जाएगा ये जीरो है ये वन इस तरह से ये सिग्नल को स्प्रेड किया जाता है तो ये भी एक टेक्निक है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम तो यहाँ पर हमारे पास एक चिप जनरेटर रहेगा और वो चिप जनरेटर एक चिप सीक्वेंस प्रोड्यूस करेगा और वो सिग्नल जो है उस चिप सीक्वेंस के मुताबिक जो है स्प्रेड होगा ओके okay?

उस वक्त जो मीडियम रहेगा एयर है हम, हम 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 जो बात करते हैं वो एयर के थ्रू दूसरों तक तो, दूसरों के कानों तक ट्रांसमिट होती है वो बात करता है हम, हमको हम, हम, हमको मतलब रिसीव रिसीव हम, receive करते हैं सो एयर इज द मीडियम इन दैट केस ठीक है हमने किसी को लेटर लिखा ठीक है ना लेटर लिख के भेजा तो वो लेटर जो वो पेपर जा, जा, जाएगा पेपर पे लिखना पड़ेगा वो किसी तरह से जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन के पास तो वो एक अलग मीडियम हो जाता है इसी तरह से हम ट्रैवल करते हैं कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने के अलग अलग रास्ते बाय रोड जा सकते हैं बाय एयर जा सकते हैं बाय वाटर जा सकते हैं तो ये अलग अलग टाइप का मीडिया है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं उसी तरह से हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है कुछ डेटा हमारे पास है जैसे ये सेंडर है ये सेंडर ये डेटा किसी को भेजना चाहता है रिसीवर को भेजना चाहता है तो फिजिकल uh, लेयर के लेयर के नीचे जो होगा ये एक्चुअली लेयर तो नहीं बोलेंगे बट इट इज द पार्ट ऑफ तो द फिजिकल मीडियम फिजिकल लेयर तो ये जो मीडियम है ट्रांसमिशन मीडियम है इसके जरिए से डेटा जो है रिसीवर के पास जाएगा ठीक है तो ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो चीज होती है जो डेटा को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह पर अब इसको हम डिवाइड करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम को तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया वन इज गाइडेड अदर इज अनगाइडेड ठीक है दो टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया है एक तो गाइडेड है दूसरा अनगाइडेड है अब ये जो गाइडेड मीडिया है ये वायर से कंसर्न है है ना वायर जो जितने भी वायर मीडिया है जिस जो 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 उस मीडिया में जो वायर वाले मीडिया है उसको गाइडेड मीडिया बोलेंगे ठीक है ना और जो अनगाइडेड मीडिया वो वायरलेस मीडिया है ठीक है अनगाइडेड मीडिया क्या है इसको बोलेंगे वायरलेस मीडिया नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया मीडिया हम लोग अनगाइडेड मीडिया यूज करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं सर सर, सर जैसे वाईफाई राउटर हाँ वाईफाई है मोबाइल है ब्लूटूथ है इंफ्रा है जो मोबाइल जो हमने रिमोट है रिमोट यूज करते हैं वो इंफ्रा रहता है तो जो मीडिया डेटा कैरी करता है जिसमें वायर इन्वॉल्व नहीं होता उसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया और वो मीडिया जिसके जि, जो हम किसी मतलब वायर को यूज करते हैं उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया ठीक है अब देखो गाइडेड एंड गाइड का फर्क क्या जैसे हमारे पास एक मतलब ए, एक ट्रेन का ट्रेन का ट्रैक होता है ट्रैक तो वो ट्रेन ये ट्रैक पे चलती है ना ये ट्रैक को छोड़ती नहीं है ना है ना हेलो यस सर तो हम बोलेंगे वो ट्रेन गाइडेड मीडिया की तरह जाती कि वो वो ट्रैक पे ही चलेगी यहां वहां नहीं जाएगी वो है ना तो क्योंकि वो सिग्नल गाइडेड मीडिया क्यों बोलते हैं इसे हम क्योंकि ये जो सिग्नल जो वायर से सेंड किया जाता है ये वायर के अंदर ही ट्रेवल करता रहेगा और अपने मतलब मंजिल पर अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा ठीक है तो ये गाइडेड मीडिया है तो वो जैसे मान लो ये वायर है वायर ऐसा ऐसा घूम घूम पे जा रहा है तो ये डेटा भी इसके अंदर ऐसे इसी तरह से जाएगा जैसे वायर जा रहा है वैसे डेटा इसके अंदर जो है डेटा सब जाता रहेगा अब ये अनगाइडेड मीडिया क्यों है एक्चुअली अनगाइडेड मीडिया इसलिए है, बोलते हैं कि ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा है ना ये सिग्नल ये ये सपोज अगर हमारा एंटेना ये डायरेक्शन में है तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में डेटा आगे 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 बढ़ता रहे आगे बढ़ता रहेगा रहेगा ऐसा ठीक है थेके? तो ये अनगाइडेड मीडिया है ये किसी भी तरह से जा सकता है ठीक है आगे हम देखेंगे क्या है नाउ गाइडेड मीडिया जो है ये इसके तीन कैटेगरीज है सबसे पहला ट्विस्टेड पैर केबल ठीक है दूसरा कोएक्सियल केबल तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल ये तीन जो है इसके ये है, तीन है। और media, जो इसके भी तीन हमारे पास है सबसे पहला रेडियो दूसरा माइक्रोवेव तीसरा इंफ्रा रेड तो हमारे पास दो तरह के मतलब ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड और अनगाइडेड और ये तीन कैटेगरीज फर्स्ट सी द गाइडेड मीडिया ठीक है गाइडेड मीडिया में सबसे पहले ट्विस्टेड पैर केबल ठीक है तो ट्विस्टेड पैर केबल के अंदर क्या होगा हम जो है दो वायर यूज करेंगे ठीक है वो दो वायर ट्विस्ट किए रहेंगे आपस में ठीक है ना तो ये देखो ये ये आप यहाँ पे देखोगे ये हमारे पास जो वायर है दिस इज द वायर और उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग रहेगी ठीक है ये जो बीच वाला वायर है ना ये ये वाला वायर ये, ये ये कंडक्टर है ये ये सिग्नल को कैरी करेगा और उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग रहेगी उसकी उसकी हिफाजत के लिए उसकी उसको मतलब बचाने के लिए और ऑफकोर्स अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो ये भी सही नहीं है ठीक है तो उसे कवर किया जाता है प्लास्टिक से या कोई भी मतलब शील्ड से दी जाती है ठीक है तो ट्विस्टेड पैर केबल जो है ये टेलीफोन लाइन में इसे यूज किया जाता है पहले पहले यूज करते तो ये ये टेलीफोन लाइन के अंदर इसे यूज किया जाता है ओके अब ये जो ट्विस्टेड पैर से फायदा क्या मिलता है ट्विस्टेड पैर के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कोई नॉइज़ आएगा नॉइज ठीक है ना तो नॉइज जो है इसको ही मिलेगा क्योंकि दोनों बाजू भाई तो इसको ही मिलेगा तो इसकी ये ट्विस्टेड पेयर केबल में ये नॉइज रिजेक्शन अच्छा होता है इसका नॉइज रिजेक्शन ठीक है मतलब जो अनवांटेड जो सिग्नल है इसको आसानी से रिजेक्ट कर सकता है वो इसके ये ये दो कंडक्टर अंदर क्या होता है एक होता है लाइव वायर जो कि सिग्नल जो सिग्नल कैरी करता है दूसरा जो है ग्राउंड रहता है ग्राउंड रेफरेंस ग्राउंड जैसे हमारे पास जो आप देखोगे हम जब भी कोई चीज प्लग करते हैं है ना मतलब कोई भी चीज हम प्लग में प्लग जो यूज करते तो हैं उसमें दो वायर रहते हैं ना तो उसमें एक वायर जो रहता है वो लाइव वायर रहता है जिसमें दो सौ बीस वोल्ट का करंट होता है दूसरा ग्राउंड रहता है है ठीक ना तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास ये दो वायर है ये वायर जो है इसमें से एक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा दूसरा जो है रेफरेंस रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है ठीक है तो इस तरह से ये सिग्नल कैरी करता है अच्छा ये जो ट्विस्टेड पैर केबल है ये दो टाइप में आता है एक तो यूटीपी ठीक है और दूसरा है एस ये एस का मतलब है शील्डेड ट्विस्टेड पैर ठीक है तो शील्डेड ट्विस्टेड पैर के अंदर आप देखो ये कितनी सारी कवरिंग अच्छी खासी कवरिंग है यहाँ पर ठीक है ये प्लास्टिक कवरिंग है उसके अंदर मेटेलिक शील्ड है ठीक है और यहाँ पर ये अंदर वायर है ठीक है तो ये अ आ... मे भी लाइक नॉइज़ रिजेक्शन या इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए दूसरा यहाँ पर सिर्फ सिंपल प्लास्टिक कवरिंग है और उसके ऊपर इसके अंदर ये, ये, और प्लास्टिक कवरिंग आ जाती है तो ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर ठीक है तो ये दो तरह के हमारे पास ट्विस्टेड पैर केबल है एक तो शील्डेड ट्विस्टेड पैर दूसरा अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर इसमें इस तरह से इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है और ये टेलीफोन लाइन्स को इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकता है ठीक है और इसकी स्पीड भी खैर अच्छी मिलती है और इसमें अटैन्यूशन जो है सिग्नल लॉस मतलब हमें हो सकता है कि मे बी लाइक एवरी आफ्टर एवरी टेन या फिफ्टीन किलोमीटर हमें एक रिपीटर लगेगा नॉट नॉट टेन आई थिंक हाँ ठीक है टेन टेन दस बार पंद्रह किलोमीटर के बाद क्या होगा हमें एक रिपीटर कनेक्ट करना पड़ेगा ठीक है ये वायर क्योंकि मान लो ये वायर हम एक साथ ऐसे तो नहीं सौ किलोमीटर लंबा कनेक्ट कर सकते तो हम जब कनेक्ट करेंगे दो सिटीज को तो हर ये वायर यूज करके तो हर या दस या पंद्रह किलोमीटर पर हमें एक एक मतलब रिपीटर रखना पड़ेगा क्योंकि जब सिग्नल ट्रैवल करेगा ना वायर से तो वो अटैन्यट होगा है ना उसका पावर कम होना शुरू हो जाएगा तो हमें इसको फिर से अपनी ओरिजिनल पावर पर लाने के लिए हमें रिपीटर्स लगेंगे नेक्स्ट इज कोएक्शल केबल ठीक है तो ये कोएक्शल केबल जो है इसके अंदर आप देखो ये इसका कंस्ट्रक्शन दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कोएक्शल केबल ठीक है तो इसके अंदर ये हमारा इनर कंडक्टर है ये वाला पार्ट ये एक्चुअली सिग्नल कैरी करता है उसके ऊपर एक इंसुलेटर रहेगा उसके ऊपर और एक आउटर शील्ड जो आउटर कट कंट्रोल शील्ड रहेगी ये ग्राउंड का, का काम करती है देखो मैंने इसके पहले आपको बताया था ना यहाँ पे कैसा है कि हमें दो वायर चाहिए कम्युनिकेशन के लिए एक वो है जो सिग्नल कैरी करता है दूसरा रेफरेंस है हमारे पास रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ पर जो है ग्राउंड रेफरेंस जिसको बोलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये लाइव सिग्नल है ये कैरी करेगा और ये जो पार्ट है ये वाला जो ये जो शील्ड है ये ग्राउंड का, का काम करेगी ठीक है फिर इसको भी और इंसुलेटर और लास्ट में पाव एक मतलब प्लास्टिक कवरिंग यूज़ किया जाता है तो ये जो है दिस इज़ द कोशल केबल ठीक है ये भी एक वायर कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है तो केबल uh, ऑपरेटर्स भी इसे यूज़ करते हैं ठीक है क्योंकि इसकी कैपेसिटी इसकी बैंडविट काफ़ी ज़्यादा है ठीक है ना अगर हम इसको अगर कंपेयर करेंगे पिछले वाले से तो इसकी बैंडविट काफ़ी ज़्यादा मिलती है मगर इसका एक नुकसान ये है कि uh, इसका अटेंशन काफ़ी ज़्यादा है ठीक है ना तो आ, ये सिग्नल यहाँ पर जो अगर हम ये ट्विस्टेड पैर यूज करेंगे तो हमें रिपीटर्स जो है कम लगेंगे और उसी के मुकाबले में यहां पे यूज करेंगे तो सिग्नल सिग्नल का मगर इसकी कैपेसिटी काफी है uh, कोएक्सियल केबल से ज्यादा अच्छा हम आगे देखेंगे कि फाइबर केबल होता है। तो uh, ये केबल है देन फाइनली वी द थर्ड गाइडेड मीडिया ऑप्टिक केबल ओके okay? तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर आ, अब तक जो हमने दो मीडियम स्टडी किया ना देखो ये ये वाले ये ये डायग्राम ये वाले देखो यहाँ पर क्या हमारे पास तीन तरह के गाइडेड मीडिया है ठीक है एक तो ट्विस्टेड पैर केबल दूसरा केबल के तीसरा ऑप्टिक फाइबर केबल इसमें क्या होता है ये दो जो है ना ये दो मीडिया इसमें सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में रहता है ठीक है ना यानी सिग्नल जो इलेक्ट्रिक सिग्नल रहता है जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाएगी और फाइबर ऑप्टिक के अंदर वो जो है लाइट सिग्नल जो सिग्नल जो भी हमारा डेटा रहेगा वो लाइट सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा उसे सेंड किया जाएगा पॉइंट स्टूडेंट्स? ट्विस्टेड पैर केबल और को केबल में जो डेटा रहेगा हमारा वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाएगा और फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर हमारा जो भी डेटा रहेगा वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाएगा ठीक है तो जो हमारे पास टेलीफोन लाइन जो खेल हमारे घर में जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल कैरी करते हैं तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाएगा मगर ऑप्टिक फाइबर केबल के अंदर के क्या होता है सिग्नल जो है वो लाइट के फॉर्म में जाती है अब सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इज द प्रिंसिपल बिहाइंड वर्किंग ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल फाइबर ऑप्टिक क्या प्रिंसिपल पे काम करता है तो आपने अपनी लोअर क्लास में फिजिक्स में स्टडी किया होगा कि वेन अ रे ऑफ लाइट इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेर मीडियम

तो हम क्या देखते हैं ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता है एक वक्त में नाइन्टी डिग्री हो जाएगा और अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो एक वक्त ये आएगा कि ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्ट नहीं करेगी ये बाहर नहीं जाएगी बल्कि ये रिफ्लेक्ट करेगी ये अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगा ये प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ठीक तो है ये जो प्रोसेस है जिसमें लाइट जो है डेंसर मीडियम से सरफेस पे जाके फिर से अंदर चली जाती है इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द ऑप्टिक फाइबर केबल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स क्लास, यस सर यस सर तो ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल में ओके सो द द प्रिंसिपल व्हिच इज कॉल्ड एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस ओके सो अब देखो ये ऑप्टिक फाइबर केबल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है तो ऑप्टिक फाइबर केबल के अंदर ये ग्लास का बना रहता है सबसे पहले ऑप्टिक फाइबर जो है ना इट इज मेड अप ऑफ ग्लास और बहुत छोटा डायमीटर मिलीमीटर से बोले माइक्रोमीटर में इसका डायमीटर रहता है ठीक है तो उसपे कैसा रहेगा ये ग्लास रहेगा इनर ग्लास ठीक है ओके दिस इज द ग्लास ये इनर है इसको बोलेंगे कोर उसके ऊपर और एक कवरिंग रहेगी इसको बोलेंगे क्लैडिंग ठीक है ये क्लैडिंग रहेगा ऐसा ठीक है तो बाहर का जो जो ग्लास है उसको हम बोलेंगे क्लैडिंग और अंदर जो है उसको कोर बोलेंगे ठीक है तो डेटा जो है ये अंदर ट्रेवल करता रहेगा अंदर करता रहेगा यानी डेटा को क्या करना पड़ेगा हमको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ऑफकोर्स हमारे पास एक कन्वर्जन एक कन्वर्टर रहेगा जो क्या करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और ये लाइट सिग्नल जो है ये अंदर ट्रेवल करेगा ठीक है मुझे म्यूट योर माइक ये क्या हो रहा है हमारे पास ऑप्टिक फाइबर केबल के अंदर हमारा जो सिग्नल है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा हमको कि जो सिग्नल रहेगा वो ट्रैप हो जाएगा ये इसके अंदर ठीक है ये 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 ऑप्टिक फाइबर के अंदर और ये काफी दूर तक जा सकता है ठीक है यानी अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा वायर ऐसा ऐसा घूम रहा है सपोज ये तो ये सपोज ये ऐसा ऑप्टिक फाइबर केबल ऐसा है तो क्या होगा सिग्नल ट्रैप हो जाएगा अंदर और अंदर ही ट्रैवल करेगा बाहर नहीं निकलेगा वो ठीक है इट कैन गो इट कैन गो लार्ज डिस्टेंसेज इट कैन गो लार्ज डिस्टेंसेज ठीक है तो ये है ऑप्टिक फाइबर केबल ठीक है नाउ लेट अस सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल ठीक है तो सबसे पहला एडवांटेज जो है ना जो सबसे जबरदस्त सबसे बड़ा एडवांटेज वो है हायर बैंडविट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सबसे बड़ा सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो हायर बैंडविट है अगर इसकी बैंडविट हाई नहीं होती तो उसको यूज भी नहीं करते हम लोग ठीक है ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ठीक है तो आ, बाकी मीडियम्स के अंदर बाकी जो हमने ट्रांसमिशन मीडिया देखा उसके अंदर जो है हमारे पास अगर कोई ट्रांसमीटर है और कोई रिसीवर है तो ये मीडियम जो है ना ये एक अपर कैप लगा थी भाई इससे ज्यादा इससे ज्यादा डाटा नहीं भेज सकते मगर ऑप्टिक फाइबर में ये उल्टा हो जाता है ऑप्टिक फाइबर की कैपेसिटी जबरदस्त है हमारे पास वैसे डिवाइसेस नहीं है जो ये इसकी इसको सपोर्ट कर सके वे मतलब इसके अंदर आप लोग समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं देखो आ, इसके पहले जो हमने देखा ना मीडियम ने कोएक्सियल केबल देखा और ट्विस्टेड पैर देखा तो उसकी लिमिट लिमिटेड इन द सेंस के हैं हमारे पास ये जो सेंडर है और ये रिसीवर है ठीक है ना तो ये एक लिमिट अप्लाई करेगा भाई इससे ज्यादा मत भेजना मैं नहीं सेंड कर पाऊंगा ये ऐसा बोलेगा मगर यहाँ पर उल्टा हो रहा है यहां पर जो है इसकी कैपेसिटी है मगर हमारे पास सेंडर रिसीवर इतने फास्ट नहीं है जो इसको सपोर्ट कर इतनी इतनी ज्यादा भेज सके वे ठीक है तो इतनी जबरदस्त कैपेसिटी है ओके okay? तो वी कैन इवन ट्रांसमिट डेटा टू वन पर सेकेंड है ना वन टीबीपीएस की स्पीड भी, भी ये प्रोवाइड कर सकता है पर सेकेंड या हम जो डेटा डाउनलोड कर सकते हैं इतना इतनी इसकी स्पीड हम मतलब कर सकते हैं क्योंकि जो लाइट है ना लाइट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है टू हर्ड है ठीक तो है ना तो टेन रेस टू फोर्टीन हर्ड यानी इतनी जबरदस्त फ्रीक्वेंसी हमारी इतनी जबरदस्त डेटा रेट हो सकता है इतना जबरदस्त डेटा रेट ठीक है यानी अगर इसको हम बिट्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ये टेन रेस टू नाइन ठीक है और इन

के सिग्नल जो है इसकी इसका जो पावर है ये बहुत जल्दी लॉस नहीं होता जल्दी लॉस नहीं होने की वजह से हमको जो रिपीटर्स लगेंगे वो काफी दूरी पर चलेगा है ना अभी जैसे इसके पहले जो हमने दो दो, दो केसेस स्टडी किए उसमें हर 10 या 15 किलोमीटर पर हमें रिपीटर लगेगा और यहाँ पर जो है 50 किलोमीटर तक हमें कोई रिपीटर की जरूरत है 50 किलोमीटर एक लगाना पड़ेगा हमें रिपीटर 50 किलोमीटर सो हियर वी नीड अ रिपीटर आफ्टर एवरी अटर फिफ्टी किलोमीटर है ना क्योंकि तो इसकी इसकी जो सिग्नल जो है इतना जल्दी से नहीं होता तीसरा एडवांटेज ये है इट इज इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ठीक है ना तो हम देखते हैं कि जो आ, आ, वायर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो होता है उसके अंदर इंटरफेरेंस के चांसेस है दूसरा कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हमारे सिग्नल को करप्ट कर सकता है मगर यहाँ पर ऐसा कोई भी इंटरफेरेंस का कोई मसला नहीं है ठीक है दूसरा रेजिस्टेंस टू करोसिव मटेरियल्स है ना अब आप देखोगे कि वायर जो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक के लिए वो कॉपर का बना रहता है ना कॉपर कॉपर वायर यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल के भेजने के लिए तो वो उसके अंदर जंग लग सकता है क्रोजिन हो सकता है उसका मगर ये क्योंकि ग्लास का बना हुआ है तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी रहेगी ठीक है ग्लास की लाइफ भी अच्छी रहेगी तो उस, जंग तो लगने वाला नहीं है उसके अंदर और और एडवांटेज ये है कि लाइट वेट है है ना ग्लास का वेट अगर हम डेंसिटी अगर हम देखेंगे तो ग्लास की कम है और मतलब मेटल्स की ज्यादा रहती है तो इसका तो लाइट वेट रहेगा तो हमें इसे क्या ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान है ओके अगर हमें दो कॉन्टिनेंट्स को भी कनेक्ट करना है तो फाइबर ऑप्टिक से आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे हम लोग देन आ, ग्रेटर इम्यूनिटी टू टैपिंग ठीक है तो कॉपर तो, वायर के अंदर टैपिंग करना काफ़ी आसान है जैसे कॉपर वायर जा रहा है आपने इसको मतलब यहाँ पर दूसरा कोई वायर कनेक्ट कर दिया तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ भी जाएगी यहाँ भी जाएगी मगर ऑप्टिक फाइबर में ऐसा टैपिंग नहीं कर सकते ठीक है ऑप्टिक फाइबर में टैपिंग करने के लिए हमें केबल को कट करना पड़ेगा जैसे केबल कट करेंगे तो वो कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाएगा ठीक है तो टैपिंग जो है करना बहुत मुश्किल है ऑप्टिक फाइबर में तो ये तो इसके एडवांटेज हो गए इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है ये भी इसके डिसएडवांटेज भी है एक तो इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस ठीक है तो क्योंकि हमारे पास इतने स्किल्स नहीं है स्किल्स इसके लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है ये सिस्टम को हैंडल करने के लिए तो ये फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं है दूसरा क्या है कि यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपगेशन तो इसमें जो है अगर हमारे पास दो लोगों को कम्युनिकेट करना है आपस में ये सेंड करना चाहता है रिसीव करना चाहता है ये भी सेंड करना चाहता है रिसीव करना चाहता है तो एक ऑप्टिक फाइबर से नहीं होगा हमको दो ऑप्टिक फाइबर केबल यूज करने पड़ेंगे दो दो से काम चलेगा एक से काम नहीं चलेगा ठीक है ना तो हमें कम्युनिकेशन uh, के लिए दो वायर की लगी जरूरत पड़ेगी और तीसरा जो इसका कॉस्ट ठीक है तो फिलहाल जो है ये थोड़ा कॉस्टली है मे बी इन द फ्यूचर इट में द प्राइसिस में कम डाउन सो दिस आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर अंडरस्टूड क्लास Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब ये ये जो सेकेंड पार्ट जो है ट्रांसमिशन मीडिया का वो है अनगाइडेड मीडिया जिसको हम बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन ठीक है तो वायरलेस कम्युनिकेशन के अच्छे खासे एडवांटेजेस भी हम बोलेंगे है ना कि भाई हमको कॉपर वायर मतलब वायर या कई के भी केबल की लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आ, कोई नेटवर्क क्रिएट करना नेटवर्क भी आसानी से क्रिएट हो जाएगा हमें वायर की जरूरत ही नहीं है

टेरा हर्ट्स तक ये इंफ्रा रेड है और 400 सौ टेरा हर्ट से नाइन एट टेरा हर्ट तक ये इसको लाइट ये लाइट जो हम लोग जो लाइट है जिनको नजर आती है जो चीजें नजर आती है है ना तो ये जो चीजें हम देख सकते हैं ये जो ये ये जो लाइट है इसको विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं ठीक है ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है इसके आगे भी स्पेक्ट्रम है मगर वो हम लोग खैर उसे यूज नहीं करते वो ये एक्स रेज आ जाती है हम लोग यूज करते हैं मतलब एक्स रेज है इसके बाद गैमा रेज है ये सब अलग अलग टाइप के रेज है तो कम्युनिकेशन के लिए ये मतलब ये हम ये यूज करते हैं और ऑफ कोर्स ये ये तो हम ये भी यूज करते हैं ऐसा नहीं कि यूज नहीं करते ऑप्टिक फाइबर में यूज किया जाता है नाउ यू कैन सी मोर एलोबरेटेड डायग्राम इज गिवन एक अच्छा एलोबरेट करके दिया गया है uh, ये डायग्राम में हम देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी बैंड और उसके क्या क्या यूजेस है ओके सो दिस बैंड ये ये जो है ना ये 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 फ्रीक्वेंसी यहाँ से मानो शुरू होती है तो ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है कहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज होता है हमारे घर में जो पावर आता है ना हमारे घर में पावर आता है रिलायंस एनर्जी का या जो भी है टाटा पावर जो भी रिलायंस जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में बी एस की आती है तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है पचास हर्ट्स की होती है हमारे घर में जो पावर सप्लाई आता है ना पचास या साठ सिक्सटी हर्ट्स का रहता है ठीक है तो ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है उसके बाद की फ्रीक्वेंसी जो है ये ये तो ही ना ये ये बोलेंगे दिस इज नॉट लो बट एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी के कैटेगरी में आता है उससे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी लो फ्रीक्वेंसी है वो सी आर टी मोनिटर्स में यूज की जाती है उसके बाद जो है हमारे पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ठीक है ना ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं तो ये जो है एफ एम रेडियोज हैं एम रेडियोज हैं टेलीविजन है या सेल फोन्स के लिए काम आती है उससे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और माइक्रोवेव्स में यूज होता है हमारे घर में माइक्रोवेव है ना ओवन होता है माइक्रोवेव ओवन ठीक है ना तो उसके अंदर क्या होता है कि वो आ, जो माइक्रोवेव्स के जरिए से हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ठीक है देन इसके बाद ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ये है ठीक है ये कम्युनिकेशन के लिए काम में आती है ये मतलब शॉर्ट शॉर्ट आगे हम देखेंगे स्टडी करेंगे इसको भी शॉर्ट कम्युनिकेशन की ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है ये देखो सनलाइट दिया ना ये यू कैन सी दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम मैं इसको रेड से मार्क करता हूँ ये जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास जो विबग बोलते हैं ये वाला पार्ट ये विजिबल स्पेक्ट्रम है ये हम देख सकते हैं no, we cannot see this. ये, ना? ये 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 जितने भी रेज है ना ये हम देख नहीं सकते ठीक है ना अगर आप देख सकते तो यू आर देन समथिंग नॉट यू आर अदर देन ह्यूमन बीइंग मतलब तो आपके कुछ अच्छा सुपर पावर पास तो, वी था। था। तो वी सी हम रेड को नहीं देख सकते हम जैसे रिमोट कंट्रोल करता, रिमोट, हमने करते हैं तो वी सी कमिंग आउट रिमोट कंट्रोल। हम जब मोबाइल से बातें किसी से करते तो वो सिग्नल्स आ रहे हैं सिग्नल्स जा रहे मगर हमको नजर नहीं आते ठीक है ना तो यही हम देख सकते हैं ये वाला जो लाइट लाइट है ना वो ही देख सकते हैं हम लोग बाकी कुछ हमको नजर नहीं आता ओके देन ये जो अः लाइट सिग्नल के बाद ये जो स्पेक्ट्रम शुरू होता है ये बोलते हैं अल्ट्रा वायल्ट अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम ठीक है तो सन रेज के जरिए भी अल्ट्रा वायलेट आती है मगर वो ओजोन लेयर ब्लॉक कर देता है अदरवाइज सबको स्किन कैंसर हो जाएगा तो अल्ट्रा वायल्ट रेज जो है ये यह, यहाँ पर है उसके आगे जाते तो एक्स रेज है ठीक है ना जो मेडिकल हमें, हमें कभी हाथ में लग जाता है तो हमें या कुछ भी मतलब बोन में क्या इंजरी आई है कितना डैमेज हुआ तो उसके लिए हम एक्सरेज यूज करते हैं तो एक्स रेज जो है उसका पावर है ना इसलिए हमको हमारे में क्या फ्रैक्चर क्या क्या है उससे नजर आता है उससे और आगे जाएंगे तो ये जो है ना गैमा रेज जिसको बोलते हैं हम लोग जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब जब होता है ना तो उसके अंदर ये गैमा रेज एमिट होती है और ये इंसानों को मतलब मार्स खत्म कर सकती है जगह पर ठीक है ना तो ये दिस ये जो ये सिंबल है तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर का है तो न्यूक्लियर रेडिएशन का सिम्बॉल है तो ये जितना हम आगे जाएंगे वो पावरफुल रेडियशंस बनते जाते हैं ठीक है तो खैर ये तो हमारे काम का फिलहाल कम्युनिकेशन में जो है हम इसको यूज़ नहीं करते ये पार्ट को कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करते जो कम्युनिकेशन में जो पार्ट यूज़ होता है वो आ, बस विजिबल से समझो यहाँ तक विजिबल भी कब जब हम लोग ये ये पार्ट जो है कम्युनिकेशन नॉट इवन दिस पार्ट दिस पार्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर ये देखो ये ये जो पार्ट है ना कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन में इसे यूज किया जाता है ठीक है ये वायरलेस और वायर कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स इसे यूज किया जाता है ठीक है सो दिस इज द इलेक्ट्रो इसको ये जो स्पेक्ट्रम मैंने आपके सामने बताया इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ठीक है spectrum, तो हम जब लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे यहाँ से लेफ्ट से राइट right की तरफ जाएंगे ना ये लेफ्ट से राइट right की तरफ ऐसे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग ठीक है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ते रहेगी नेचुरल बात है कि फ्रीक्वेंसीज़ uh, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो हम यहाँ पे देखेंगे वेवलेंथ बहुत बड़ी रहेगी और जितना यहाँ पे जाएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी मगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ठीक है तो uh, यहाँ पर जो है ये लेफ्ट साइड पे हम बोलेंगे एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ठीक है और वेरी हाई वेव ठीक है और यहाँ उल्टा हो जाएगा पूरा ठीक है ना ये एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसीमली लो वेन्थ ठीक है तो ये हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैटिक स्पेक्ट्रम ठीक है हम लोग कम्युनिकेशन में जो है ये स्पेक्ट्रम यूज करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है ना ये जो है थ्री किलो हर्ट से लेके नाइन हंड्रेड टेरा हर्ट तक हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं ठीक है उसमें भी ये जो है ये पार्ट तो फाइबर ऑप्टिक के लिए यूज करते हैं हम लोग जो है विजिबल लाइट नहीं भेज सकते कम्युनिकेशन के अंदर क्योंकि वो तो ब्लॉक हो जाएगी विजिबल विजिबल लाइट लाइट ठीक है वी यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ओके नाउ दिस आर द वेरियस प्रोपोकेशन मेथड्स जो हम स्टडी करने वाले हैं ठीक है तो आई थिंक यू माइट हैव डन दिस इन योर टू लोअर क्लास ट्वेल्थ में आपने स्टडी किया होगा प्रोपोेशन मेथड्स में क्या है एक तो ग्राउंड प्रोपोकेशन है दूसरा स्काई प्रोपोकेशन है

ठीक है ना आयोनोस्फेयर ये अर्थ है अर्थ के ऊपर एक लेयर है इसको बोलते हैं आयोनोस्फेयर लेयर है ठीक है तो ग्राउंड प्रोपोगेशन में क्या होता है हमारे पास जो यहाँ पर एंटीना रहेगा वो मतलब सिग्नल को सिग्नल को भेजेगा सो दिस सिग्नल इट गोस थ्रू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ ठीक है ना ये ऊपर नहीं जाएगा ये जात जितनी दूर जा, जाएगा ये ठीक है तो बिकॉज द सिग्नल इज इज नेगोशिएटिंग द पाथ ऑफ थ्रू द कर्व ऑफ द अर्थ सो दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राउंड प्रोपोगेशन

उसकी नजर से हाथ में हटना नहीं चाहिए तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा ठीक है तो इसको बोलते हैं ये देखो अलग अलग यहां पर हमारे पास जो है ये ना वेरी लो फ्रीक्वेंसी ये ग्राउंड प्रोपोकेशन में काम आता है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो नेविगेशन में काम आता है देन लो फ्रीक्वेंसी रेडियो बीकन्स और नेविगेशन लोकेटर्स में काम आता है देन मिडिल फ्रीक्वेंसी एम रेडियो में काम आता है हाई फ्रीक्वेंसी जो है एयरक्राफ्ट uh, है शिप्स है इसको काम आता है देन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ये, ये टे, टेलीविजन और एफ एम रेडियो में काम आता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी तो ये मैंने शायद आपको कोई पहले बताया था कि फ्रिक्वेंसी बैंड डिवाइडेड है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी बैंड कौन यूज करेगा ये लोग यूज करेंगे ये कौन यूज करेगा इसके लिए मोबाइल कम्युनिकेशन है तो ये जो फ्रिक्वेंसी बैंड मोबाइल वाले यूज करेंगे देखिए सेटेलाइट वाले भी यूज कर सकते ये सेटेलाइट वाले और ये रडार वाले सेटेलाइट वाले सबका फ्रीक्वेंसी बैंड जो है अलग अलग कर दिया गया है ताकि कोई किसके इसमें मतलब इंटरफेयर ना करे ओके सो इन दिस वे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन सी रेडियो जो है ना तो रेडियो वेव्स की जो रेंज है वो थ्री किलो से वन तक है ओके okay? uh, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये ये जो वेव्स है one, one से लेके थ्री गीघाट दे आर कॉल माइक्रोवेव रेडियो आर ओमनी डायरेक्शनल इसका मतलब क्या है देखो यहाँ पे देखें नाम हमको दिया रेडियो वेव्स का

माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज ये से लेके 300 GHz है, और यूनिट डायरेक्शनल है ये, 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 ये हमारा जो है ये माइक्रोवेव्स ये को कैच करने के लिए होता है ठीक है ना डिश इंतना तो यहाँ पर क्या होता है जो सिग्नल जाएगा वो हाईली डायरेक्शनल रहेगा हर तरफ नहीं जा रहा है ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है

Uh, मतलब वॉल्स कभी, uh, कभी कभी ऐसा भी होगा ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी तो वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है है ना कभी कभी माइक्रो मतलब मोबाइल फोन भाई बाहर निकलना पता है, है तो क्यों नहीं पकड़ रहा है क्योंकि वेव्स अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हमारी वॉल्स को देन फाइनली इंफ्रारेड कम्युनिकेशन हमारे पास है तो ये इंफ्रा कम्युनिकेशन की फ्रिक्वेंसी है थ्री हंड्रेड से लेके फोर हंड्रेड तक ये शॉर्ट कम्युनिकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं मगर इंफ्रारेड ने ना ये ये वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती दीवार की जैसे हमारे घर में हम रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं तो हमारे घर के टीवी को कंट्रोल कर सकते बाजू वाले के घर के टीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग है ना क्योंकि इंफ्रारेड रेट जो है ना वो दीवार को पेनिट्रेट नहीं कर सकती ठीक है इसका पोटेंशियल अच्छा है काफी ज्यादा क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा है तो इससे हम डेटा अच्छा ट्रांसमिट कर सकते हैं ओके सो दिस इज रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन मीडियम ओके स्टूडेंट्स So I will stop now.